बिहार के राज्यपाल कौन है सर? बिहार के राज्यपाल पूछिए बच्चों से। नहीं ना आप बताइए। बिहार के राज्यपाल ये का नाम है भुला रहे हैं, रुके बताते हैं। दाल में दाल नहीं सिर्फ पानी है, देखिए देख रहे हैं ये दाल है, दाल है या पानी है, और यही बच्चे खाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर से। क्या ताराकांत से? क्या ताराकांत से? एगो रेणु कुमारी दूगो रेणु कुमारी और ताराकांत। जहानाबाद जिला का डीएम? जहानाबाद जिला का डीएम हो गए बताते हैं हेमंत सोरेन हेमंत कुमार राय। हेमंत कुमार राय कौन? चौक है ना हाथ में, जनवरी का स्पेलिंग लिखे तो सर का बोलते हैं कि ये टिफिन है, आप ही का है ना? हाँ सर, हम लोग ले। अच्छा तो टिफिन आप लोग घर से क्यों लेकर के? सुबह खाना कौन देगा सर? अच्छा, नहीं यहाँ पे मिड डे मील बनता है। ये दूसरा का मतलब कि वॉशरूम है, और यहाँ पे भी मतलब कि झोल लग चुका है। बोले तो यहाँ पे मतलब कि बच्चे वॉशरूम करने नहीं आते हैं, यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा आता है और वॉशरूम करके चला जाता है। मान लिया जाए कि बीच क्लास में आपको शौच लग गया तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसके बारे में आप बाद में बताएंगे, छोड़िए। सर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा है। ठीक। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के खौना गांव में, और यहां पे एक प्राथमिक विद्यालय है। और इसका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उसके साथ साथ दिखाएंगे कि यहां का व्यवस्था क्या है। व्यवस्था अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल लगभग 50 से 55 स्टूडेंट हैं, और दो कमरा है। एक कमरा में ऑफिस का काम होता है, और एक कमरे में बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं। एक नई मैडम आई हैं और यहाँ पे मतलब कि प्रत्येक दिन आती हैं पढ़ाने, और दो शिक्षक हैं वो भी प्रत्येक दिन आते हैं पढ़ाने। स्कूल के जस्ट मतलब कि गेट पे एक चापाकल है, और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है नल जल योजना, वो यहाँ पे मतलब कि सुसाइड करने पर मजबूर है, मर चुका है। यहाँ पे पानी वानी कुछ नहीं आता है। नीतीश कुमार भले ही दावा कर लें कि मैंने हर एक घर को, हर एक मतलब कि आंगन को नल का जल पहुँचाया है, लेकिन नीतीश कुमार का जो विद्यालय है स्वर्णिम मतलब की परियोजना है कि शिक्षा में सुधार करना है, वहाँ पे ही नल का जल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अन्य सभी घरों में क्या स्थिति और परिस्थिति होगी। हम विद्यालय के अंदर बाद में जाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो मतलब कि वॉशरूम है, यहाँ का जो मतलब कि किचन है, लेटरिन है, उसका क्या स्थिति परिस्थिति है। ये बगल में भवन है मतलब कि विद्यालय का, और विद्यालय के इस तरफ की क्या बोलते हैं कि लेटरिन है, और यहाँ पे एक मतलब कि सहायक शिक्षिका जो हैं वो लेडी हैं, और वो लेडी को अगर शौच लगता होगा तो वो कहाँ जाती होंगी, क्या करती होंगी, उन्हीं से हम जानेंगे और उनके समस्याओं को हम आपको मतलब कि दिखाएंगे। ये कि क्या बोलते हैं कि वॉशरूम है, और वॉशरूम का मतलब कि कायाकल्प क्या है नहीं है वो आप खुद डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। सीट कहाँ है, मतलब कि वॉशरूम का मतलब कि स्ट्रक्चर कहाँ है, उसका कोई माय बाप नहीं है। यहाँ पे देखने के लिए किसी का मतलब कि कोई ध्यान उत्कृष्ट नहीं करवाया जा रहा है। ये दूसरा का मतलब कि वॉशरूम है, और यहाँ पे भी मतलब कि झोल लग चुका है। बोले तो यहाँ पे मतलब कि बच्चे वॉशरूम करने नहीं आते हैं, यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा आता है और वॉशरूम करके चला जाता है। बाहर अब चलिए मतलब कि यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे कि यहाँ का जो वॉशरूम है क्यों नहीं बन पा रहा है। यहाँ के जो मतलब कि हेडमास्टर साहब हैं वो इस संबंध में क्या कहते हैं। अभी जब हमें गाँव में एंट्री किए थे तो क्या बोलते हैं कि एक भैया थे, वो दिखा रहे थे कि मास्टर साहब बैठ करके गाना सुन रहे हैं। ये किचन का मतलब कि खाना बन चुका है, और ये रसोइयाँ हैं जो मतलब कि ग्लास वगैरह साफ़ कर रही हैं। आप ही रसोइया हैं ना, थोड़ा सा बात कर लीजिए हमसे, खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम हुआ? रेणु कुमारी। यहीं के रहने वाली हैं? हाँ सर। कितना बच्चों का खाना बनता है डेली? डेली कितना बच्चों का खाना बनता है मैडम? बच्चा के कितना के आज बनाया है ना, तो कितना बच्चा का बनाया खाना? 55 के बनवे करो थे सर। 55 को बना दिए हैं? हाँ सर। सर अभी बोल रहे थे कि 55 बच्चे नामांकित हैं और टोटल आते हैं 32 या फिर 35 या फिर मैक्सिमम मतलब कि 40, और मैडम बता रही हैं कि 55 बच्चों का खाना बन गया है। अब 20 बच्चों का खाना क्या होगा वो हमको नहीं पता है। हेडमास्टर साहब हैं और मैडम अभी क्लास ले रही थी और शायद लंच का समय है इसीलिए वहाँ पर रुकी हुई हैं। सर एक बात बताइए कि टोटल बच्चे कितने हैं? 57। 57 हैं। आप प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के, हैं क्या नाम हुआ आपका? शंभू शरण प्रसाद। इस्लामपुर से आते हैं जी? डेली आ जाते होंगे समय पे? समय पर आते हैं।
कितना भवन है, मतलब कि भवन में कितने कमरे हैं सर आपके विद्यालय? दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं, एक जिमसिम है, आंगनबाड़ी चलता है, विद्यालय का ही कमरा है। विद्यालय का कमरा में आंगनबाड़ी चल रहा है? आंगनबाड़ी चल रहा है। आंगनबाड़ी का अपना भवन नहीं? अपना भवन नहीं है उसका। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं आपके विद्यालय में? मात्र यही खौना कहते हैं, बस खौना से ही बच्चे आते हैं बस। यहाँ पे टोटल शिक्षक कितने हैं सर? तीन। तीन शिक्षक हैं। जो एक नया मतलब कि बहाली हुआ है वो मैडम है? नहीं, नई मैडम आई है, पहले से दो लोग हम लोग हैं। पहले से एक आप हैं और एक और कौन थे? सियाराम सर हैं। सियाराम सर हैं और मैडम का क्या? अच्छा, मैडम से ही बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ से आती हैं आप डेली? जहानाबाद से मैं आती हूँ। जहानाबाद से डेली आती है मैडम। हम यहाँ पे आए तो सबसे जो मूलभूत असुविधा हमको दिखा वो शौचालय का दिखा। आपको भी मतलब कि प्रतीत होता है कि यहाँ पे शौचालय की कमी है? हाँ है। तो मतलब कि कैसे झेलते होंगे मैडम? आप डेली आते हैं, 5 घंटा यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और ठंडी का मौसम आएगा तो आपको मतलब कि 6 से 7 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। कैसे मतलब कि हैंडल करेंगे आप अपने आप को? मान लिया जाए कि बीच क्लास में आपको शौच लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप बाद में बताएंगे, छोड़िए। प्रॉब्लम है लेकिन? प्रॉब्लम थोड़ा सा है। ठीक है, प्रॉब्लम है। देखिए हाँ, क्या क्या सर? विद्यालय का बाउंड्री वॉल होना चाहिए तब साफ सुथरा रहेगा विद्यालय। विद्यालय का बाउंड्री वॉल होना चाहिए, इसके लिए आप क्या किए हैं? विभागीय जब लेटर आता है उसका लिख देते हैं, जवाब देते हैं। अच्छा, विभागीय जो मतलब कि जो भी चहदीवारी है कि नहीं है, भेजते हैं हम लोग रिपोर्ट। तो भेजते हैं तो सिर्फ कागजों पे ही रह जाते हैं फिर धरातल पर? समझे तो देखिए, भेजते हैं लेकिन कागज। अब से आप यहाँ पे तैनात? हम 2003 से हैं। 2003 से मतलब कि 2023 आने वाला है, 20 वर्ष से आप यहाँ पे? जी हाँ। 20 वर्ष पहले भी ऐसा ही भवन था? जी नहीं, कुछ 2011 में बना है। 2 ACR है, मतलब कि दो कमरे का? दो कमरे बना है। ये ऑफिस है? आइए झट देखते हैं। ये ऑफिस है और मतलब कि मीटर लगा हुआ है लेकिन लाइट अभी नहीं है। लाइट कटा हुआ अभी लाइट कटा हुआ है। और सर का क्या बोलते हैं कि ये टिफ़न है, आप ही का है ना? हाँ सर, हम लोग लेकर। अच्छा, तो टिफ़न आप लोग घर से क्यों लेकर के आते हैं? सुबह खाना कौन देगा सर? अच्छा, नहीं यहाँ पे मिड डे मील बनता है ना? मिड डे बनता खाते हैं। मिड डे मील बनता है तो मिड डे मील वाला खाना खाइए, तो भूखले रहेंगे घड़ी थोड़ी है हम लोग। अच्छा, मतलब कि सुबह से आते हैं तो इसलिए लेते हैं, लेके आते हैं थोड़े बहुत नाश्ता लेके आते हैं। ये ऑफिस है और ऑफिस में क्या बोलते हैं कि ऑफिस का एक हिस्सा जो है उसमें हेड सर बैठते हैं और दूसरा हिस्सा है जिसमें मतलब कि कूड़ेदान बनाया गया है, फिर बोले स्टोर रूम है। दो दो गैस का सिलेंडर है, कड़ाही है, मतलब कि कुलचे हैं जो भी हैं, और यहाँ पे शायद जिम विम करने वाला कुछ है, और दो क्या बोलते हैं कि ड्रम है और एक बक्सा है। इसमें सर अपना मतलब कि जो भी विद्यालय का कागजात वगैरह होता होगा वो रखते होंगे और विद्यालय को संचालित करते होंगे। क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से जानते हैं कि कैसे मतलब कि यहाँ पे पढ़ाई होता है और यहाँ के बच्चे मतलब कि कितना पढ़ने में महारत हैं। आप लोग यहीं के हैं आंटी? आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ सर, यहीं के। डेली आते हैं सर पढ़ने? हाँ आते हैं। पढ़ाई वढ़ाई होता है विद्यालय में? हाँ आइए करते हैं। नहीं आते हैं वो तो ठीक है, पढ़ाई होता है? हाँ होता है सर, बच्चे बैठ ले हैं सर। हाँ बच्चों से ही पूछ लेते हैं, 1 से 5 तक यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं और देखिए यहाँ पे बैठ करके बाकायदे दरी पे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक सर हैं, सहायक शिक्षक हैं, और इस कमरे में नाद है। ये नाद अक्सर आप मवेशी घर में देखते होंगे और ये नाद इस विद्यालय के कमरे में क्या कर रहा है इसका जानकारी हमें नहीं है। हाँ क्या बोलते हैं कि पंखा लगा हुआ है, बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और एक सहायक शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम बच्चों से ही पूछते हैं, क्या नाम हुआ छोटू आपका? दीपू कुमार। दीपू कुमार कहाँ से आते हैं पढ़ने? खौना से। पापा क्या करते हैं आपके? काम। क्या काम करते हैं? लोहावला में। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा। दूसरा में पढ़ते हैं। 1-2 आता है आपको? हाँ। 2 का स्पेलिंग क्या होता है? TWO 2 1 2। और 7 का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा ठीक है, बच्चा है, 2 क्लास का बच्चा है। और भी कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इधर बच्चियां बैठी हुई हैं और क्या बोलते हैं कि एक तरफ बच्चे हैं और एक तरफ बच्चियां हैं। क्या नाम हुआ छोटी आपका? सुलेखा कुमारी। सुलेखा कुमारी, आपके पिताजी का क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार, यहीं रहते हैं पापा? काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? लुधियाना। लुधियाना में काम करते हैं आप, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? यही है ना आपका कॉपी? जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं? जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं। केका तक पढ़ा आता आपको? 26 तक। 26 तक आता है। के नंबर 81 होता है? के नंबर 81 होता है? के नंबर 81 होता है? 26 का पहाड़ आता है ना आपको?
खाना मिलता है स्कूल में डेली? कल क्या मिला था खाना? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा मिला था। अच्छा एक बात बताइए छोटी, कि आप लोग को पहले अंडा भी मिलता था? मिलता था ना, अभी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है और ये कमी है और यही हम दिखाएंगे। हमारे गांव में भी विद्यालय है, क्या बोलते हैं कि मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित विद्यालय है, और वहाँ पे अंडा मिलता है फ्राइडे को फ्राइडे। और यहाँ पे बच्चों अंडा मिलता है छोटे आपको? अभी नहीं। अभी नहीं मिलता है? सर क्या बोलते हैं? कहता क्या अभी नहीं। अच्छा अच्छा, सर कहते हैं कि अभी नहीं आया है ना। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर में। क्या पढ़ रही थी अभी? गुना भागा जोड़ घटा। जोड़ घटाओ गुना भागा पढ़ रही थी। हाँ। छः में से छः जाएगा तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ का जो बच्चे हैं वो मतलब कि बेशक पढ़ने में ठीक ठाक हैं, नो डाउट। और यहाँ पे एक बच्ची क्या बोलते हैं कि जोड़ बना रहे हैं छोटी, जोड़ बना रहे हैं। हाँ। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी? सर ही से क्या पढ़ा रहे थे सर? मैथ पढ़ा रहे थे। ये बोलते हैं कि एडिशन आप पढ़ा रहे हैं, जोड़ एड एडिशन उसी को बोलते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं और स्टार्टिंग से ही आप शॉर्ट में चल रहे हैं। जनवरी फरवरी बताते हैं आपको? फोर क्लास में पढ़ती है ना? जनवरी फाइव में पढ़ते हैं। जनवरी फरवरी बताते हैं सर आपको? हाँ। चौक है ना हाथ में, जनवरी का स्पेलिंग लिखे तो दिखाइए। क्या लिखे हैं बोल करके बताइए। जनवरी नहीं, स्पेलिंग बोलिए। जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी। बहुत बढ़िया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। आप यहीं से पढ़ने आती हैं? पापा आपके क्या करते हैं? लोहा वाला में काम करते हैं। पापा क्या नाम है? भूषण प्रसाद। हाँ थोड़ा सा हो जाता है। और मैथ अभी पढ़ा रहे हैं सर? मैथ के अलावा आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ के अलावा साइंस। साइंस और हम यहाँ चलता है, पर्यावरण और हम पढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं आप आते कहाँ से हैं डेली? हम भी जहानाबाद से। जहानाबाद से? प्रॉपर जहानाबाद से? नहीं बगल में गांव है। अच्छा यहाँ पे कितने बच्चे हैं सर? अभी तो 32 हैं। अभी 32 हैं। खाना बनता है डेली? जी हाँ। आज क्या मेनू है? आज का मेन्यू है कौन है बृहस्पतिवार ना, तो सब्जी चावल दाल होगा। और ये जो बच्चे हैं सर, 1 से 5 तक के बच्चे हैं, ठीक है, इन लोगों को जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ाते हैं? हाँ जनरल नॉलेज भी देते हैं। जनरल नॉलेज देते हाँ हैं। देते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है सर? बिहार के राज्यपाल पूछिए बच्चों से। नहीं ना आप बताइए। बिहार के राज्यपाल ये का नाम है भुला रहे हैं, रुके बताते हैं। आपके जिला का डीएम? हमारे जिले के चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह, हम पटना जिला के हैं। नहीं नहीं, जहानाबाद जिला का डीएम? जहानाबाद जिला का डीएम हो गए बताते हैं हेमंत कुमार राय। हेमंत कुमार राय कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन? तारा किशोर से। क्या ताराकांत सिंह? क्या ताराकांत सिंह? एगो रेणु कुमारी दूगो रेणु कुमारी और ताराकांत। तारकिशोर प्रसाद? हाँ तारकिशोर प्रसाद। शिक्षा मंत्री कौन? ये विजय कुमार चौधरी। अच्छा बच्चों से पूछने के लिए बोल रहे थे छोटे, एक बात बताइए कि बिहार के राज्यपाल कौन है? फागु चौहान। कौन बताया आपको? कौन बताया? हर मतलब कि डरिए मत। कौन सर बताया है? सर को तो खुद ही नहीं पता था, हेड सर बताया। हेड सर बताया कि ये सर बताया? पढ़ाने आते हैं सर डेली, समय से आते हैं, झूठ नहीं बोलिएगा। 6:30 बजे आ जाते। डर रहे हैं सर से? डर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि डर होगा। क्या नाम हुआ? खड़े हो जाइए। आइए इधर आइए ब्लैक बोर्ड पे। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? फोर। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? लिखिए तो, चौक दीजिए तो छोटी इसको। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? लिखिए यहाँ पे, उधर देखिए कैमरे में। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? मैथ पढ़ा रहे हैं ना सर, ये मैथ का मतलब कि सिलेबस में नहीं है 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या? अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए ना 5 क्लास। बड़ी संख्या छोटी संख्या मतलब कि 1 सेकंड बोलने दीजिए, बच्चों को नहीं पढ़ाएं और डायरेक्ट मतलब कि 4 अंक का आप एडिशन दे रहे हैं।
जोड़ घटाव सिखाना होता है पाँचवा क्लास में, तो हम लोग सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे सारा जानकारी देंगे। तीन अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखो, नहीं आता है, क्या नाम है आपका? करीना कुमारी। क्या? करीना कुमारी। करीना कुमारी। तीन अंक का सबसे बड़ी संख्या सर नहीं बताया है? नहीं बताया है छोटी? हेलो, आपको लिखने आता है? तीन अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? इकाई दहाई नहीं पढ़ाया सर? इकाई दहाई नहीं पढ़ाया, जोड़ घटाव पढ़ाने लग गए? इकाई दहाई आता है जैसे तीन अंक। इकाई दहाई ही पूछ रहे हैं ना हम उनसे? क्या इकाई दहाई नहीं बता रहे हैं? तो वही तो हम पूछ रहे हैं, सैकड़ा मतलब कि हजार में हजार कितना होता है, कैसे हजार लिखा गया? एक हजार लिखिए तो है? ये हजार हो गया है? पक्का जी एक हजार हो गया है? तो वही ना हम पूछ रहे हैं आपसे कि तीन अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन होता है? कौन होता सर तीन अंक का सबसे बड़ा संख्या? 999। 999। तो ये सब बच्चों को बता दीजिएगा तो मतलब कि हर्जा कर जाएगा? हर्जा नहीं करेगा, हम लोग जैसे जोड़ के अभी तो शुरुआत हुआ है सर, फाइव क्लास में लोग गया है, धीरे धीरे सब लोग हम अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कोरोना के बीच में अथी हुआ तो उस समय तो कुछ दिन छूटा है, पहले सबको मालूम था, छूट जाने के बाद भूल जाता है। 40 तक का पहाड़ा फिर रिपीट हुआ है, नहीं तो पहले बीच में सब भूल के 20-30 पर आ गया था। अच्छा, आप जहानाबाद से डेली आते हैं सर, वॉशरूम नहीं है यहाँ पे, कहाँ जाते हैं वॉशरूम? अब बाथरूम बाहर जाना पड़ता है? नहीं है मतलब दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत है। देखिए, यहाँ के कुछ बच्चों से मैं बात किया, यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया, यहाँ के सहायक शिक्षक हैं उनसे बात किया, उनके ज्ञान के बारे में तो आपको पता है, अभी देखे आप हेड सर उनको गाइड कर रहे थे और वो पढ़ा रहे थे। और यहाँ पे कौन है सचिव? यानी कहाँ है? नहीं नहीं छोड़िए, हटाइए। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल आप? हम तो खौने के हैं। खौने के रहने वाले हैं सर, आते हैं डेली पढ़ाने? हाँ आते तो हैं डेली। डेली आते हैं, पढ़ाई होता है? अब पढ़ाई होता है कि नहीं पता, वो तो हम देखे अभी। हाँ तो देख ही लिए तो समझ ही गए। हाँ समझ गए सर, क्या पढ़ाते हैं वो भी हम? हाँ तो देखे, हाँ देख ही लिया अभी तो सब, हम लोग भी देख ही लिए हैं। देखे ना अभी लाइव चल रहा है? हाँ हाँ देख लिए। क्या कहेंगे ऐसे शिक्षकों को? अभी वो हमको मतलब कि बता रहे थे कि आपको कौन अलॉट कर दिया? कौन अलॉट कर दिया? हमारा अधिकार है भाई, है कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी सवाल कर सकते हैं। हेड सर आया तो हमको अलॉट किया, धन्यवाद सर अलॉट करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम खौना विद्यालय में थे, थाली सज चुका है, पानी भी लग चुका है, अब इंतज़ार है तो सिर्फ घंटी लगने का। और यहाँ पे खाना बच्चे खाएंगे और दाल भात सब्जी बना है, और किचन में भी चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किचन में कैसा बना है खाना। सबसे बड़ा चीज़ तो घंटी है ना? हाँ घंटी नहीं है, घंटी नहीं है। अच्छा किचन बंद कर दी मैडम, कहाँ गए? हैं क्या बोल रही हैं? कोई आंगनबाड़ी में थारी दिए हैं, थारी कहाँ है? अच्छा अभी पूछते हैं उनसे भी, दोपहर में जो गोर आते हैं। पहले हम किचन को दिखा दें कि किचन क्या है। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय खौना है, मध्याह्न भोजन का मेनू है, और हाँ मेनू देख लिए, और ये क्या बोलते हैं कि किचन है, और किचन में चूल्हा पे खाना बनता है, बिरबल का खिचड़ी का मतलब कि सिस्टम है यहाँ पे। और ये इधर दिखाइएगा रंचू जी, ये दाल है और वो सब्जी है, ठीक है बढ़िया से दिखाइएगा। और दाल में दाल नहीं सिर्फ पानी है, देखिए देख रहे हैं, ये दाल है, दाल है या पानी है, और यही बच्चे खाएंगे। 40,000 करोड़ रुपये का बजट पेश होता है, ठीक है 40,000 करोड़ रुपये का बजट पेश होता है, और दाल नहीं वो पानी है, और ये सबसे बड़ी यहाँ के हेडमास्टर साहब की मेहरबानी है कि डेली खाना बन जाता है। हाँ चलिए सचिव के घर। नहीं सचिव का घर हमको क्या जाना, आप सर से बात कर लिए, जो स्थिति परिस्थिति है वो दिखा दिए क्या खाना बनता है, मास्टर साहब कितना ज्ञानी है वो सब हम देख लिए, और बच्चों का भविष्य अधर में जा रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ बीएड करके आए हैं, वो टीएड करके आए हैं हमको नहीं पता है, वो पीएचडी करके आए हैं उससे भी हमको नहीं पता है, हमको बस पता इतना है उनसे जो हम पूछे वो उनको नहीं पता था। हम ऐसे ही विद्यालय का खुशहाली और बदहाली दिखाते रहते हैं, और इस विद्यालय में हमको सिर्फ बदहाली ही बदहाली दिखा, ना किचन है, किचन है तो वहाँ पर खाना कैसा बन रहा है वो देखें ही, माड़ है कि दाल है पता ही नहीं चल रहा है, वॉशरूम है तो वॉशरूम में क्या स्थिति है, वहाँ पे बच्चे मतलब कि लैट्रिन वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े वॉशरूम जाते हैं, कुत्ते वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक और मतलब कि बच्चे वॉशरूम में जाते हैं,
मैडम है वो बता रही थी कि बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, और जिस घर में और जिस विद्यालय में शौचालय नहीं हो तो वहाँ पे सवाल उठता है कि बिहार में मतलब कि शिक्षा पे 40,000 करोड़ रुपये का बजट निकलता है, वो 40,000 करोड़ रुपये जाता कहाँ पर है। सर बोलते हैं कि प्रत्येक साल हम लिख करके देते हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों पर रह जाता है। हम ऐसे ही विद्यालयों की मतलब कि बदहाली और खुशहाली दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।